एंगल को लगाने का पर्पज़ यही है कि कभी अगर ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो जितना भी लोड है वो सीधा सीधा यहाँ पे आके टकराएगा, जिस वजह से जो है ये बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है महिंद्रा ने बहुत ज़्यादा सोच के यहाँ पे आपको स्क्वायर के एंगल देखने के लिए मिले। नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल, आप देख रहे हैं ब्लॉगर डुओ। आज जो हमारे साथ गाड़ी है वो है महिंद्रा फ्यूरियो 17। ये जो गाड़ी है ये पिनिनफेरिना ने डिज़ाइन किया है, तो आप इसका लुक देख ही सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया इसमें लुक दिया गया है। महिंद्रा की तरफ से आने वाली ICV सेगमेंट की टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है महिंद्रा फ्यूरियो 17। ये गाड़ी जो है 17,000 kg का जो है इसका GVW है, और इसमें जो पेलोड है वो है इसका 11 टन, मतलब जो है 11,000 किलो का जो है इसमें आपको पेलोड मिलेगा। और इस गाड़ी की जो लेंथ है, मतलब जो डेक लेंथ है, वो है इसकी 24 फीट, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा पेलोड भी मिल रहा है और बहुत ज़्यादा GVW भी मिल रहा है, और साथ ही साथ जो है ये गाड़ी जो है ICV सेगमेंट, मतलब इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी में आती है। अब मैं बात कर लूँ इसकी सामने की विंडशील्ड की, जो इसकी सामने की विंडशील्ड है वो पूरी की पूरी लैमिनेटेड है और साथ ही साथ कर्व भी है, और आपको ऊपर में अप्रोक्सीमीटर मिल जाएगा देखने के लिए, और दो नीचे में वाइपर मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा वाला जो है आपको हैंडल मिल जाएगा। और ये जो दो वेंट्स है ये जो है ये कैबिन के चिलिंग के लिए, मतलब कैबिन के अंदर कूलिंग रहनी चाहिए उसके लिए डिज़ाइन किया हुआ वेंट है, एयर सर्कुलेशन वेंट है। एंड देन उसके बाद मैं बात करूँ महिंद्रा की बैजिंग, फ्यूरियो 17 की बैजिंग, महिंद्रा का बहुत बड़ा लोगो, और ये रही इसकी ग्रिल, मेटल ग्रिल है, मेटल वायर मेश वाली ग्रिल है, बहुत अच्छी ग्रिल है, क्रोम के साथ आती है, और यहाँ पे जो आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिलेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अब इसका जो हेडलाइट है वो आप नोटिस करना, इसमें जो है आपको डुअल चैम्बर हेडलाइट मिलेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये हाई बीम वाला और ये लो बीम वाला, और यहीं पे जो है आपको पार्किंग लाइट भी मिलेगा, और ये रहा इसका इंडिकेटर। अब ये जो हेडलाइट है इसका फ़ायदा ये है कि ये तो एक तो इकोनॉमिकल होती है, और साथ ही साथ जो है इसमें जो है आपको दो बल्ब लगाने पड़ेंगे, बस अलग अलग हेडलाइट बदलनी नहीं पड़ेंगी अगर इनकेस ये टूट जाता है तो। अब ये जो है यहाँ पे आपको चाइल्ड पार्ट मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। चाइल्ड पार्ट मतलब क्या रहता है, ये जो है टुकड़ों में बनाया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर कभी यहाँ पे इम्पैक्ट हो गया तो सिर्फ ये वाला जो है ये वाला पोर्शन ही आपको चेंज करना पड़ेगा, ना कि पूरा का पूरा पैनल। और ये जो है इससे आपका कॉस्ट बचता है, जो आपका ओनरशिप वाला जो कॉस्ट है ना वो बच जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं बात कर लूँ सामने के फॉग लाइट की, फॉग लाइट जो है इसमें बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है कॉर्नरिंग फंक्शन मिलता है इस फॉग लाइट में। सिंपल फॉग लाइट नहीं है, सिंपल फॉग लाइट जो रहता है वो हेडलाइट की जो रोशनी है सिर्फ उसी को प्रोजेक्ट कर पाता है, ठीक है, लेकिन इसमें कॉर्नरिंग फंक्शन आता है। अगर मान लो आप कभी ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके और आप छोटी मोटी पार्किंग करनी रहेंगी, तो उस समय में जो है ये आपका कॉर्नरिंग फॉग लाइट जो है वो काम में आएगा। ये बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, और ये महिंद्रा ने क्लेम किया था, लेकिन कस्टमर के तरफ से भी अभी रिव्यू आने लग गया है, तो कस्टमर बोलते हैं कि ये जो फीचर है बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है फॉग लाइट वाला, कॉर्नरिंग फॉग लाइट जो है बहुत अच्छा लगता है इस गाड़ी में देखने को। अब मैं बात कर लूँ गाड़ी का साइड लुक, गाड़ी का जो साइड लुक है उसमें सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, ये जो है गाड़ी स्लीपर कैबिन के साथ आती है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो है इसकी 24 फीट। स्लीपर कैबिन होने का फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी एक जन चलाएगा भी और साथ ही साथ सो भी सकता है। और अब इसके साइड लुक में बात कर रहा हूँ तो आप नोटिस करना, इसका जो रेक एंगल है वो थोड़ा बढ़ाया गया है, जनरली ये कम रहता है, क्यों, इसका इसमें बढ़ाने का रीज़न ये है कि इसका जो कैबिन का जो धूप है, मतलब अगर कभी 2-3 बजे वाली धूप रहेंगी तो वो इसके डैशबोर्ड पर आएंगी, ना कि ड्राइवर के हाथों पर या फिर उसके पैरों पर आएंगी। अगर आप कितनी भी धूप में गाड़ी चला रहे हो तो इसकी जो धूप है वो सीधा सीधा ड्राइवर के कांटेक्ट में आएंगी नहीं, जिस वजह से जो है इसका जो कैबिन है वो थोड़ा ज़्यादा चील रहेगा, और साथ ही साथ इसके जो ब्लोअर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, महिंद्रा के जो है सुपर साइलेंट ब्लोअर आते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद इसका कैबिन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको जो है दो बोल्ट करके जो है कैरियर माउंट भी मिल जाता है, आपको कैबिन में छेद करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड ही बोल्ट मिलते हैं। अगर इन फ्यूचर आपको कभी कैरियर लगाने का मन करा तो आप वो बोल्ट रिमूव करके जो है आप वहाँ पे कैरियर इंस्टॉल करा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको हाइट मार्कर लैंप जो है वो ऊपर में नहीं मिलता, अगर आपने कभी इन फ्यूचर कैरियर लगा लिया तो वो लैंप जो है आपको निकालना पड़ेगा। इस वजह से जो है कंपनी ने बहुत सोच समझ के जो है जो लैंप है उसको जो है कॉर्नर में रखा गया है, कैरियर लगाने के बाद भी आपको उसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एंड देन उसके बाद मैं बात कर लूँ मिरर्स की,
तो यहाँ पे जो है आपको को पैसेंजर साइड में एक मिरर मिल जाता है, अप्रोक्सीमेटली मिरर, जिस वजह से जो आप को पैसेंजर का जो टायर है वो किस डायरेक्शन में, कितना ज़्यादा टिल्ट है और कितनी ज़्यादा जगह है वो आप देख सकते हो। अल्ट्रा वाइड मिरर, नॉर्मल मिरर बहुत अच्छी क्वालिटी में दिया गया है, बड़े बड़े मिरर है, चंकी मिरर है। और ये रहा इसका कार टाइप हैंडल, डोर हैंडल जो है, और यहीं पे जो है आपको लॉक करने का मैकेनिज्म भी मिल जाता है। को पैसेंजर साइड में भी आपको जो है लॉक करने का जो है मिल जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में बात कर लूँ तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। और ये रहा इसका मड गार्ड, बहुत बड़ा मड गार्ड है। और साथ ही साथ अभी मैं इसकी फ्रंट टायर के साइज़ की बात कर लूँ तो ये है 275/80 R 22.5 inches, ट्यूबलेस टायर के साथ आ रही है, बड़ा टायर है। और साथ ही साथ जो है इस टायर की वजह से जो है आपको GVW जो है थोड़ा ज़्यादा मिलता है। उसके बाद मैं बात कर लूँ तो गाड़ी में जो है MDI टेक की बैजिंग यहाँ पे मिलती है, BS6 की बैजिंग। और ये रही इसकी, इस गाड़ी की लाइसेंस प्लेट। ये रहा इसका फुटस्टेप, दो फुटस्टेप मिलते हैं और तीसरा फुटस्टेप जो है सीधा अंदर में, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ इसमें कैबिन टिल्ट मैकेनिज्म किस तरीके से दिया है, आपको इसका कैबिन टिल्ट करके बताते हैं। सबसे पहले कैबिन टिल्ट करने के लिए ये वाला जो है लैच इसको ऊपर करना है और ये वाले लैच को ऊपर कर देना है, लॉक अनलॉक हो जाएगा। और देन उसके बाद जो है ये वाले जो लीवर है इसको अपवर्ड डायरेक्शन जो है, अपवर्ड वाला जो एरो है उसके तरफ प्लेस करना है। अगर आप इसको डाउनवर्ड में रखोगे तो कैबिन कभी ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसको ऐसा इस डायरेक्शन में लगाने के बाद यहाँ पे आपको टॉमी को प्लेस करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको प्लेस करना है और इसको जस्ट अप एंड डाउन मोशन देना है आपको, जस्ट हो गया। ये कैबिन धीरे धीरे जो है ऊपर जाने चालू हो जाएगा। तो अब मैं बात करूँ इसके इंजन की, इस गाड़ी में जो लग के आ रहा है महिंद्रा का ट्रस्टेड MDI टेक वाला 3.5 लीटर का डीजल इंजन फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ, ये जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। और साथ ही साथ महिंद्रा CRDE वाले इंजन 10 सालों से बनाते हुए प्रूवन है कि इसके जो इंजन है बहुत ज़्यादा रिलायबल रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है एक्सपर्टीज़ जो है महिंद्रा ने हासिल कर लिया है CRDE इंजन बनाने में, ठीक है। और इसकी जो कॉमन रेल है वो है इसकी 1800 बार पे काम करती है, बॉश की तरफ से आने वाली कॉमन रेल है। और ये जो है रेड कलर की, आप सबसे पहले आप देख रहे हो ये रेड कलर की जितनी भी टेपिंग लगाई गई है वो सारी की सारी वायरिंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए, और जितने भी ब्लैक कलर वाले जो ट्यूब है वो सारे के सारे पाइप्स है, ठीक है। सारी जगह पे जो आपको वायरिंग पे आपको नाम देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि टेम्परेचर EGR वॉल, ठीक है। और ये है इसका EGR वॉल, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको इनटेक के लिए बहुत बढ़िया जो है प्लेसमेंट मिल गई है। एंड देन उसके बाद में बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको इनलाइन पंप मिलता है, दो दो जो है यहाँ पे आपको पाइप मिलेंगे, डीजल जो है डायरेक्टली जो है कॉमन रेल में जाएगा, फिर कॉमन रेल के थ्रू जो है आपको इंजेक्टर में, और फिर इंजेक्टर से जो बचा हुआ है वो रिटर्न लाइन में चले जाएगा, ठीक है। और इसका जो कंप्रेसर है वो गियर ड्रिवन कंप्रेसर है, ना कि बेल्ट और कोई पुली वगैरह से जो इसका चैन वगैरह से ड्रिवन नहीं है, सीधा सीधा गियर ड्रिवन इसमें आपको कंप्रेसर मिलता है। और इस इंजन की सबसे खासियत बात तो यह है इसमें HLA आता है, HLA का मतलब है हाइड्रोलिक लैश एडजस्टर, ये जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कभी बार बार जो है आपको टैपिट सेट नहीं करना पड़ेगा, मैनुअली जो आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो है ऑटोमेटिक बेल्ट टेंशनर भी आता है, इसमें भी आपको बार बार मैनुअली एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैनुअली जो आपको बेल्ट टाइट करना पड़ेगा नहीं, इसमें भी आपकी बचत हो गई, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ इसके गियरबॉक्स की, तो इसमें जो आता है 6-speed ओवरड्राइव गियरबॉक्स, ये जो है केबल शिफ्टिंग मैकेनिज्म के साथ आता है और इसमें जो है डबल सिंक्रोन लगाया गया है, ठीक है। और जो मेन शाफ्ट है इसके ऊपर जो डीप ग्रूव बनाए गए हैं, ठीक है। और इसका जो फ्लाई व्हील है वो आपको एल्यूमिनियम फ्लाई व्हील मिलता है। और इस गियर की जो है सबसे खासियत तो यह है कि आपको इफिशेंसी बहुत लंबे समय तक दे देगा, ठीक है। और इसका मेंटेनेंस जो है वो भी बहुत कम रहेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं बात कर लूँ इसका जो क्लच है, क्लच जो है इसमें 362mm का क्लच आता है, ऑर्गेनिक क्लच। और इसमें जो है आपको लाइनिंग की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, इसकी जो हायर लाइनिंग लाइफ वो आपको ज़्यादा मिलेंगी, इसका मतलब जो है आपको मेंटेनेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपका कम मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे जो आपको डिपस्टिक मिल जाती है। और ये रहा इसका कूलेंट रिजर्वायर, ठीक है। पीछे में जो आपको बैटरी मिलेंगी 12 वोल्ट की एक्साइड एक्सप्रेस की, और यहीं पे जो है आपको बैटरी कट ऑफ स्विच मिल जाता है। एंड देन ये रही इसकी स्टेपनी, यहीं पे जो है स्टेपनी प्लेसमेंट दी गई है। और ये रहा इसका प्रेशर टैंक, और ठीक इसके पीछे में जो आपको टूल बॉक्स मिल जाता है, छोटे मोटे टूल जो आप रख सकते हो वो वाले टूल्स। एंड देन उसके बाद जगह जगह पे जो है यहाँ पे आपको लाइट मिलेंगी, साइड वाली लाइट। और इसमें जो है आपको हुक की कमी कभी फील नहीं होगी इसके HSD में। ये जो HSD डिज़ाइन किया है महिंद्रा ने डिज़ाइन किया है, बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया गया है, बहुत बड़े बड़े हुक जो है वो दिए गए। कभी अगर आपने डबल रस्सा ट्रिपल रस्सा भी डाला तो ये जो है हुक छोटा नहीं पड़ेगा, ये बहुत बड़ा हुक दिया गया है महिंद्रा की ओर से। और ये रहा इसका मेटल वाला मड गार्ड। और साथ ही साथ जो है अभी आप पीछे का सस्पेंशन देखना, पीछे में सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग के साथ साथ
हेल्पर लिप स्प्रिंग भी आती है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे भी आपको डेना का रियर एक्सल आता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, बहुत बढ़िया एक्सल है। और ये जो एक्सल है ये प्रूवन है, बहुत लंबा चलता है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है इस एक्सल की। एंड देन अभी मैं बात कर रहा हूँ पीछे का टायर की, तो पीछे का टायर भी सेम है जो सामने का टायर है, 275/80R 22.5 इंच का जो इसमें टायर आता है पीछे में। और गाड़ी का अभी पीछे का लुक बता दूँ तो सबसे पहले जो आप देखोगे महिंद्रा का नाम, एंड देन उसके बाद 3M की रेड वाली टेप, और ठीक उसके ऊपर में जो है यहाँ पे आपको HSD जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मिलती है, 24 फीट के हिसाब से बहुत सारा जो है आप इसमें लोड कैरी कर सकते हो। और ऊपर में भी जो है आपको हुक मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, रस्सा टांगने के लिए आपके लिए आपको ऊपर में भी हुक दिए गए हैं, और साथ ही साथ ऊपर में भी आपको हाइट मार्कर लैंप मिल जाता है, आप देख ही सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक हैंडल भी मिलता है HSD में, अगर कभी चढ़ना रहा तो। और ये जो है स्प्रिंग ऑपरेटेड है, जस्ट आपको ऐसा ऊपर करना है और ये जो है स्प्रिंग के थ्रू पूरा पीछे चले जाएगा। इस गाड़ी में जो चेसी आ रही है उसका नाम है HSLA, हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील। और ये जो चेसी है इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, और साथ ही साथ जो इसमें जो पीछे वाला जो रियर एक्सल है वो है इसका हायर एफिशिएंसी के लिए ट्यून किया गया है, हायर एफिशिएंसी जो है वो देंगी आपको, और साथ ही साथ जो आपकी स्टीप इंक्लाइन जो है वो भी बहुत आराम से चढ़ जाएंगी। और इसमें जो है क्राउन वो बहुत बड़ा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है आपको टॉर्क जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपके रियर व्हील पे, रियर व्हील ही इसका मेन है, इसीलिए इसमें टॉर्क जो है आपको बड़े क्राउन की वजह से टॉर्क भी ज़्यादा मिलेगा, पावर भी ज़्यादा मिलेगा। और ये जो है इसकी ऑप्टिमाइज जो है ग्रेडेबिलिटी जो है बहुत अच्छी ग्रेडेबिलिटी ऑफर करता है अपने सेगमेंट में। अब ये जो साइड है ये भी पूरी एग्जैक्ट सिमिलर है उसके जैसी, सिर्फ यहाँ पे जो है आपको डीजल टैंक का एड ऑन मिलेगा और एड ब्लू टैंक का एड ऑन मिलेगा। तो इस गाड़ी में जो डीजल टैंक है वो है 235 लीटर्स का, बहुत ज़्यादा बड़ा डीजल टैंक है, और साथ ही साथ आपको 35 लीटर का जो एड ब्लू टैंक देखने को मिलेगा। और यहीं पे रहे आपके फ्यूल फिल्टर, ये जो फ्यूल फिल्टर है इजी टू रिप्लेस है, और साथ ही साथ इसका जो स्पेयर पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है। और ये रहा इसका फ्लीट गार्ड का एयर फिल्टर, और ये रहा इसका एयर फिल्टर का स्नॉर्कल। अब मैं स्पेयर पार्ट की बात कर ही रहा हूँ तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो मार्केट में 95% सिमिलर है मार्केट के जो अदर कंपटीशन के जो स्पेयर पार्ट है उसके जैसे, ठीक है, इससे जो है आपका अप टाइम बढ़ जाता है और साथ ही साथ जो आपका डाउन टाइम कम हो जाता है, ठीक है। तो ये फिल्टर अगर कभी चोक हो जाता है तो इसमें फ़िल्टर में भी सेंसर लगाया गया है, अगर कभी फ़िल्टर चोक हो गया तो आपको इंडिकेट कर देगा टेल लाइट के थ्रू। और ये जो है इसका HSD बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया है, यहाँ पे भी आपको जो है एंगल देखने के लिए मिलेंगे, जनरली ये कंपटीशन में देखने को नहीं मिलता है। ये एंगल को लगाने का पर्पज़ यही है कि कभी अगर ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो जितना भी लोड है वो सीधा सीधा यहाँ पे आके टकराएगा, जिस वजह से जो है ये बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है महिंद्रा ने बहुत ज़्यादा सोच के यहाँ पे आपको स्क्वायर के एंगल देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे लगाया गया है, ताकि ये लास्ट लॉन्ग चले, बहुत ज़्यादा चले, बहुत ज़्यादा रिलायबल रहे इसकी बॉडी। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके ड्राइवर साइड डोर की, तो ड्राइवर साइड डोर भी इसका कार टाइप फंक्शन दिया गया है, जस्ट आपको एक बटन प्रेस करनी है और इसका जो ड्राइवर साइड डोर है वो भी ओपन हो जाता है। बहुत बड़ा ड्राइवर साइड डोर दिया गया है, स्पीकर की प्लेसमेंट, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन रखने के लिए जगह, और ये रहा इसका विंडो को ऊपर नीचे करने के लिए जो है यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाता है, बहुत बड़ा हैंडल मिल जाता है, दरवाज़ा ओपन करने वाला, लैच, अनलॉक, लॉक, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ इसके ABC प्लेसमेंट की, ABC क्लच जो है इसका बूस्टर क्लच के साथ आता है, 362 mm का इसमें क्लच आता है, बहुत बड़ा क्लच है अपने सेगमेंट में और बहुत अच्छा क्लच है ऑर्गेनिक बूस्टर के साथ साथ, ठीक है। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलेटर पेडल, और साथ ही साथ जो इसकी ड्राइवर सीट जो है ये आगे पीछे हो सकती है और रिक्लाइन भी इसका चेंज हो सकता है, यहाँ से जो आप इस गाड़ी का जो सीट है ड्राइवर साइड वो रिक्लाइन भी चेंज कर सकते हो। इल्यूमिनेटेड की फोब आता है, और ये रही इसकी चाबी, कुछ इस तरीके से जो इसकी चाबी आती है, लॉक ऑफ इग्निशन स्टार्ट, ठीक है। और ये रहा इसका हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे एक ब्लोअर मिलता है, यहाँ पे एक हैंडल मिलता है, और यहाँ पे भी आपको एक हैंडल मिलता है, ठीक है। तो इस गाड़ी में चढ़ने के लिए आपको दो हैंडल मिलते हैं, और इसमें गाड़ी भी चढ़ने में जो है बहुत आसानी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो इस गाड़ी में चढ़ना है बहुत आसान है, और सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है इसका स्टेयरिंग व्हील, 4-spoke स्टेयरिंग व्हील आता है महिंद्रा की ओर से, हॉर्न की प्लेसमेंट यहीं पे है, छोटा सा महिंद्रा का लोगो, और इसके जो ये है थिकनेस स्टेयरिंग की वो भी बहुत अच्छी है, और पकड़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि गाड़ी पूरी कंट्रोल्ड में है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की, तो कुछ इस तरीके से जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल आता है, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, इंजन टेम्परेचर मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिलता है, और उसके नीचे में आपको फ्यूल लेवल मिलता है।
अब इसमें दो MID आते हैं। अभी मैं आपको गाड़ी का जो है MID चालू करके बताता हूँ। कुछ इस तरीके से जो है इसका MID चालू हो गया। फुल स्वाइप अप होने के बाद जो है यहाँ पे आपको MID शो करता है। अब ये जो है ये इसके प्रेशर बताता है, एडब्लू कितना है वो बताता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको पूरी के पूरे टेल-टेल लाइट की प्लेसमेंट मिल जाती है। और ये रहा इसका MID। इसका जो MID है यहाँ पे आपको जो है कौन से गियर पे चल रही है गाड़ी सबसे पहले वो बताएगा, एंड देन उसके बाद आपको ट्रिप एवरेज स्पीड, ट्रिप फ्यूल कितना लगा और बैटरी का वोल्टेज भी बताएगा यहीं पे आपको, ठीक है। जैसे ही आप अप एंड डाउन के बटन दबाओगे ट्रिप टू ट्रिप वन ऐसा आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं बात कर लूँ, ये है सिलेक्ट की बटन, अप डाउन बैक की बटन। जैसे आप सिलेक्ट की बटन दबाओगे तो इसका जो है मेन मेन्यू आ जाएगा आपका। कुछ इस तरीके से जो इसका मेन मेन्यू दिया गया है, ATS सिस्टम, गेजेस, ट्रिप इन्फो, सेटिंग, सेट रिसेट, ठीक है। यहाँ पे गेजेस मिल जाते हैं, अगर आपको कुछ चेंज करना रहेगा गेजेस में तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मेंटेनेंस का शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ जो है आपको मिल जाएंगी इसी MID में। आपको बता दिया जाएगा कि कब कब आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस करना रहेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं बात कर लूँ तो इसका डैशबोर्ड की, इसका डैशबोर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत पर्पसफुल और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी टू रीच है। अब इसका जो है मतलब जो बटन्स रहती है वो जनरली ड्राइवर के हाथ नहीं पहुँच पाता वहाँ तक, लेकिन इसकी जो बटन्स है वो आराम से ड्राइवर का हाथ पहुँच जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चारों इंडिकेटर ऑन करने की बटन, ABS की लाइट, DPF मैनुअल रिजनरेशन ऑन करना होगा उसकी बटन, और ये है इसके दो मोड। इंजन में जो है इसका जो इंजन है MDI टेक 3.5 लीटर वाला डीजल इंजन, इसमें दो मोड आते हैं, लाइट मतलब 110 हॉर्स पावर, हेवी मतलब 140 हॉर्स पावर। ये जो है अगर आप लाइट मोड कहाँ पे चलाना पड़ेगा आपको, जैसे कि आप प्लेन रोड पे चल रहे हो, हाईवे टू हाईवे चला रहे हो, तो आप इसका जो लाइट मोड में जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, और हेवी मोड जो है अगर आपकी कभी खड़ी चढ़ाई पे आप गाड़ी चला रहे हो जितनी भी बड़ी चढ़ाई रहेंगी तो आप उसको टैकल कर सकते हो। ये रहा इसका एग्जॉस्ट ब्रेक ऑन करने का बटन। या इस गाड़ी में सबसे बढ़िया बात, महिंद्रा क्लेम करता है कि इसका जो कैबिन है 5 डिग्री ज़्यादा कूलर रहेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। सबसे बढ़िया बात है कैसा, इस गाड़ी में आपको 8 ब्लोअर मिलते हैं। सबसे पहले ड्राइवर साइड यहाँ पे दो मिलते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में भी 2 ब्लोअर देखने को मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और इस गाड़ी में सुपर साइलेंट ब्लोअर आते हैं, बहुत ज़्यादा चिल कर देते हैं हम। एंड देन यहाँ पे जो आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और ये रहा इसका ब्लोअर ऑन ऑफ करने का बटन। बहुत ज़्यादा जो है ब्लोअर इसके बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसका फुल पे करूँगा तो आप देख रहे हो इतने ज़्यादा फुल पे होने के बाद भी जो इसमें कूलिंग लग रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है, और साथ ही साथ जो है ये इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा है, इरीटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको जो फुटरेस्ट मिलता है, फुटरेस्ट बोले तो क्या रहता है ना, जो को पैसेंजर है वो आराम से जो है पैर रख सकता है वहाँ पे, और ठीक उसके नीचे में आपको ग्लो बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड देन उसके भी नीचे में जो है ये चीज़, एक चीज़ आप जो नोटिस करोगे वो है इसका IMX टेक्नोलॉजी वाला, यहाँ पे जो IMX टेक्नोलॉजी प्लेस की गई। IMX टेक्नोलॉजी मतलब क्या रहता है ना कि आप नहीं समझ लीजिए 10,000 का डीजल डलवाने लगाया और अगर ड्राइवर ने 8,000 का ही डाला है तो ये जो है इंडिकेट दे देगा आपके ड्राइवर मालिक को, साथ ही साथ कंपनी को भी पता चल जाएगा गाड़ी किस रीजन में चल रही है, किस कंडीशन में चल रही है, कितनी ज़्यादा रेस पे चल रही है, कितना ज़्यादा डीजल कंजप्शन हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ जो है आप ये IMX टेक्नोलॉजी के थ्रू पता कर सकते हो। IMX टेक्नोलॉजी में आपको जो है पूरा का पूरा व्हीकल डेटा पता चल जाएगा, व्हीकल का सर्विस कब करना है, ये सारी की सारी चीज़ जो आप IMX टेक्नोलॉजी से पता कर सकते हो, ठीक। आप जो है इसके स्लीपर बर्थ को ऊपर कर सकते हो, ऊपर टांग के जो है इसके नीचे में जैक टॉमी वगैरह जो है वो रख सकते हो। और ये जो है अपने क्लास में मतलब अपने कंपटीशन में सबसे बड़ा स्लीपर कैबिन जो है महिंद्रा ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो स्लीपर कैब की विड्थ है वो 7 फीट है, जिसके वजह से जो ड्राइवर कितना भी बड़ा रहे, कितनी भी साइज़ में बड़ा रहे, वो आराम से सो सकता है। और बहुत कुशनी जो है इसका स्लीपिंग बर्थ दिया गया है। एंड देन पीछे में आपको यहाँ पे एक विंडो मिल जाती है, और साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पे भी आपको एक विंडो मिल जाती है, ओपनेबल विंडो है, ठीक है। तो ये जो गाड़ी का कैबिन है वो वॉक थ्रू कैबिन है। वॉक थ्रू कैबिन बोले तो क्या रहता है ना, ड्राइवर साइड से लेके तो कोई पैसेंजर के साइड आराम से आप जो है आ जा सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेडरूम मिलता है। अगर कभी खड्डे वाले रोड पे चल रही है गाड़ी तो ड्राइवर का जो सर है वो सीधा सीधा छत पे ना टकराए, इस वजह से जो है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेडरूम दिया गया है। महिंद्रा ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस गाड़ी के ऊपर, और वैसे ही इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है। बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया इंजन मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा बढ़िया गियरबॉक्स भी मिलता है, सारी चीज़ अच्छी है। और महिंद्रा क्लेम करता है अगर आपको इस गाड़ी में प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप गाड़ी वापस भी कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और अगर आपको सर्विस टाइम पे नहीं मिली या फिर आपको स्पेयर पार्ट टाइम पे नहीं मिला तो महिंद्रा जो आपको रिटर्न बैग में पैसे देगा, ठीक है। हमें ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी, अगर आपको भी ये गाड़ी लेने का प्लान करना होगा तो आप अगस्ता मोटर में कॉल कर सकते हैं, मैंने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है।
वाड़ी गोंड कहरी 5 किलोमीटर आगे में है, बहुत बढ़िया शोरूम है। आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी जैसे कि बस ट्रक या फिर आपको छोटी गाड़ी लेनी होगी तो उसकी इंक्वायरी भी जो है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आऊँगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो भी महिंद्रा की गाड़ी प्लान कर रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।